बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स क्लास। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हिज ब्लेसिंग्स। स्टूडेंट्स, टुडेस एसएलओस आर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। So students, today's topic is multiplication of polynomials, exercise 8.4, question number 2, simplify. Question number 2, simplify. This is first part of question number 2. Into x square plus y square into 3x plus 2y plus xy into x minus 3y. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया था कि हम पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, में दे पॉलिनोमियल बिमोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इन फर्स्ट पार्ट दिस क्वेश्चन इज टू पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। ठीक है, हमने मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया है। सो वी फर्स्ट राइट द डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी दीज टू वैल्यूज एज इट यू हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, आपने फर्स्ट वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है उसी मेथड को यूज़ करते हुए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था। देन वी मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज लाइक दिस। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two values we have to write the question again। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को अगेन लिखिए राइट करेंगे और फिर इनका ये मल्टीप्लीकेशन आंसर किसका, इस इन दोनों का, ऊपर वाली दोनों का। ठीक है, तो फिर हम इनका आंसर इनके नीचे राइट कर देंगे ब्रैकेट में, विदाउट ब्रैकेट राइट नहीं करना। ठीक है, प्लस साइन एज इट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये ऊपर आंसर आ चुका था, वो हमने राइट कर दिया। ठीक है, आफ्टर दिस वी ओपन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है तो कोई चेंज नहीं आएगा, हम ऐसे ही राइट कर देंगे। ठीक है, प्लस साइन है, हम ऐसे ही राइट कर देंगे, कोई भी चेंज नहीं लाएंगे। ठीक है, इसके बाद व्हाट यू वी डू, देन यू हैव टू अरेंज द वैल्यूज। हाउ वी कैन अरेंज, By using order। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x की रेस पास क्यूब सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है। ठीक है, आप सबसे बड़ा एक्सपोनेंट x की क्यूब है, देन आप चेक करोगे कि x स्क्वायर कहाँ पर है, दिस इज x स्क्वायर एंड y, देन यू विल चेक। ठीक है, दिस इज x स्क्वायर y, यू राइट बोथ। ठीक है, देन यू विल चेक x स्क्वायर आफ्टर x, दिस इज एंड दीज आर द सेम वेरिएबल्स, यू अरेंज देम एंड द लास्ट वन सिंगल वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट ओवर ओनली वाई क्यूब, सो यू राइट हियर वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर अगेन चेक करें, एक्स रेज बार 3, एक्स रेज बार स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड वाई एक्स स्क्वायर वाई सेम एंड हियर 3xy स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखिए यहाँ से देखिए तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, इधर से आपका ऑर्डर वाई का कंप्लीट हो रहा है और इधर से एक्स का कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई 2 and 1 प्लस 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 और 2 and 1 3x स्क्वायर वाई प्लस, अब ये वाली चीज़ चेक करें। ठीक है, बोथ आर सेम बट साइन आर चेंज, सो प्लस माइनस माइनस 3 - 3 इज इक्वल टू 0, सो दिस कर विच ईच अदर, सो लेफ्ट ओवर इज दिस बिकॉज देयर इज नो अदर वैल्यू, सो आर आंसर इज 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी दिस फुल क्वेश्चन। Now come to the part number 4. In part number 4 we have
3x square plus 2xy minus 2y square into x plus y. फर्स्ट में हमारे पास ट्राइनोमियल है और नंबर टू में हमारे पास है बाइनोमियल. ये आपका वन पार्ट कंप्लीट हो गया. देन माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज ट्राइनोमियल एंड एक्स माइनस वाई इज द बाइनोमियल. ठीक है, अब टू पार्ट्स बन गया. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट. ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था इन टू वैल्यूज को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई. The answer will be this, and when you multiply these two value, answer will be this. The sign is between minus. ठीक है, अब आप क्या करोगे, you have to write the question again. You will write the question again and then you will put the answer here. ठीक है, इन दोनों को multiply करने से ये जो हमारा answer आया हम as it write करेंगे, but you will write in bracket. Minus sign and then after multiplication of this, you have to write the answer here. And then, because here is a minus sign, you have to open the bracket. What will be changed? Here is plus sign, so there will be no any change. You write as it. But here is a minus sign. Here is a minus sign, so you have to multiply this sign with all signs. ठीक है, mean कि आपका sign जो है वो change होगी. जैसे हम मैंने आपको minus में बताया था positive negative और negative positive हो जाएगा. So minus minus plus 2x square y. और यहाँ साइन ये देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन वैल्यूज में कोई चेंज आपने नहीं लाना. देन यू विल कंप्लीट द ऑर्डर ऑफ दिस. ठीक है, यू विल चेक फर्स्ट इज हाईएस्ट पावर इज 3, सो 3x क्यूब माइनस, देन यू विल चेक देर इज अनदर x क्यूब हियर इज यू राइट हियर with sign, no change in sign. Then x square, this is x square and y and other part is here, you write both here. Then you check x square after x, x y square is here, this is single one, and y cube you will check here and write y, other y cube is here. You will arrange the order of your variables. You can check x cube, x square and x, and from this side complete the order of y, y cube, y square and the single. Now come to the operations. ठीक है, इन दोनों को पहले हम प्लस माइनस जो भी होगा वो करेंगे. थ्री माइनस प्लस माइनस माइनस, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, प्लस 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 टू, प्लस फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन, विल बी सेम, नो विल बी चेंज इन वेरिएबल्स. माइनस साइन विल बी एज इट, देर इज नो हैव अदर वैल्यू, सो वी राइट सेम. प्लस माइनस माइनस, टू में से वन माइनस किए तो हमारे पास वन आ गया, बट साइन विल बी ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू. डोंट फॉरगेट दिस रूल, व्हेन यू हैव एड एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट साइन. एंड दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन. नो होम टास्क एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ऑन नोटबुक्स. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.